वहीं सांसद अरविंद शर्मा पानीपत पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने गोड संस्था जमीन के मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी, साथ ही जमीन की सुरक्षा के सरकार से पैसे की मांग की। जिस तरीके से भ्रष्टाचार को लेकर आपने हल्ला बोला है, क्या समझते हैं? देखिए, ऐसा है, मैंने जो सारी बातें हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले कह चुका हूं, मैं उन बातों को देखो। और अब बात जमीन की बात है, 15 एकड़ 3 कैनाल जमीन जो है सरकार जल्दी से जल्दी दे। और अब मेरी नई बात यह है कि उसके साथ फाइनेंशियल मदद भी करे, ठोक करके सरकार मदद करे। और भी बिरादरी, किसी भी बिरादरी को, किसी भी संस्था को अगर ज़रूरत है, चाहे वो वैश्य एजुकेशन सोसाइटी है, जाट एजुकेशन सोसाइटी है, आपकी हमारी हिंदू एजुकेशन सोसाइटी है, सैनियों की संस्था है, विश्वकर्मा बिरादरी की संस्था है, कोई भी संस्था है, उसको जिसको ज़रूरत है इंस्टीट्यूशनल, जो हमारा हरियाणा एजुकेशन का हब है, मैं मुख्यमंत्री जी कहूँ, किसी को भी ज़रूरत है, किसी समाज को भी, कहीं अम्बेडकर को संस्था को किसी को ज़रूरत है, कहीं वाल्मीकि संस्था को ज़रूरत है, उन्हें। सांसद अरविंद शर्मा पानीपत पहुंचे, पानीपत पहुंचने के बाद कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया, फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया गया। आपको बताएं कि इसी के साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। उन्होंने गोड संस्था जमीन के मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी, साथ ही उन्होंने जमीन के सुरक्षा के लिए सरकार से पैसे की मांग भी की है। तो पानीपत पहुंचने के बाद अरविंद शर्मा का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया, फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया जा रहा है। इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख भी सकते हैं, साथ ही साथ पानीपत पहुंचने के बाद कार्यकर्ताओं को अरविंद शर्मा ने संबोधित भी किया, गोड संस्था जमीन के मामले पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी, साथ ही उन्होंने जमीन की सुरक्षा के लिए सरकार से पैसे की मांग भी की है। तो गोड संस्था जमीन मामले पर बोले अरविंद शर्मा कि जमीन की सुरक्षा के लिए भी सरकार पैसे दे। सीएम के बयान पर अरविंद शर्मा का जवाब देखने को मिला है। आपको बताएं कि सांसद अरविंद शर्मा पानीपत पहुंचे थे, जहां उन्होंने ये तमाम बातें साझा की, कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया।